मंदिर में आते हो तो यहाँ पे हाथ पैर अपने धोएं। ये बांध रखा है करना ले जा पाए ना। वो है इंस्पायर्ड बाय इंडियन रेलवे। अपनी मूवी की अपार सफलता के बाद आज सौरभ रावत माता सुरकंडा देवी पे आए हैं मत्थर टेकने। आज सिक्योरिटी है, आज पूरा मसूरी बंद कर रखा है। 12:30 खुले टाइम क्या हुआ है? होने वाला मेरा भी अब व्लॉगिंग चैनल है बोतल व्लॉगिंग। वाह 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 वाह, ऐसी बात करता रहा तो मैं तेरे को इतने चांटे मारूंगा ना। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। अरे वो रे, अबे फिर चिल्लाता क्यों है? वो गिम्बल लेके उनसे डम्बल, वो जाहिल कहाँ पढ़ा लिखा तू? हिंसा नहीं करने जा रहा मैं मंदिर में, पर ये मेरे को मजबूर कर रहा है। लग गई लाइन और हमारे बंदे कहाँ हैं? गाइस कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा वो काफी फुर्ती दिखाने के बाद हमारा नंबर भी आ जाता है क्या? Yes. पापा ने बोला कि वो फोन मम्मी को मम्मी भी व्लॉगिंग करेगी। पैसा ही पैसा होगा बहन जी, जगह मिलेगी थोड़ी सी बीच में। नहीं चमड़े की बेल्ट बाहर रखी, कहीं अंकल ने लोवर के साथ पहन लिया। बेल्ट बेल्ट लगी। तो गाइस अभी हम दर्शन करके आ चुके हैं और थोड़ा परिक्रमा करेंगे और प्रसाद खा के हमारा व्रत भी टूट गया। खुले देना 10-20 रुपए दे दो। आ जाओ पानी जग में डालो। नारियल फोड़ने के बाद अब हम जा रहे हैं किधर? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। यू टूगेदर थिंकिंग English speaking like a rice plate eating? किससे बात कर? गर्लफ्रेंड से? दूर जाके देखना। रिफ्रेशिंग से नहीं लगते? तो आप अभी हैं सुरकुट पर्वत पर जहां माँ सुरकंडा देवी का मंदिर आप देख रहे हैं पीछे। ये 51 सिद्ध पीठों में से एक मंदिर है। इस मंदिर को बहुत पहले मतलब आनंद सिंह जरदारी नाम के एक शख्स ने इसको स्थापित किया था। बात ये हुई थी कि एक रास्ते में ना एक वृद्ध महिला थी, तो वो सबसे बोल रही थी कि मुझे भी अपने साथ ले चलो ले चलो, लेकिन कोई राजी नहीं हो रहा था उनको ले जाने में। तो आनंद सिंह जरदारी जो थे वो थोड़ा दयालु प्रवृत्ति के थे, क्योंकि लोग इतने ऊपर आते हैं पहाड़ पे तो वो अपने बाहर लेके अब उनका माल वगैरह रहता है तो वो सब पीठ में लाद के लाते हैं, तो किसी ने उन्हें लाया नहीं। लेकिन जो आनंद सिंह जरदारी थे वो थोड़ा दयालु थे, उनका सामान था वो उसके ऊपर उनको बैठा के लेके आए। तो जैसे ही वो थोड़ी देर कहीं पे विश्राम करने के लिए रुके तो उन्होंने देखा कि इतने देर में वो वृद्ध महिला जो है वो अंतर्ध्यान हो गई, मतलब वो गायब हो गई। मतलब नहीं चाहिए दुबे जी, मैं याद कर लेंगे, I'll memorize. जब वो घर गए वापस, तो घर जाने के बाद उनके रात को सपने में वही वृद्ध महिला आई और उन्होंने कहा कि आप उसी पहाड़ था उसी की सबसे ऊंची चोटी पर खुदाई करना। तो खुदाई करने पे वहाँ पे दिव्य शिला प्रकट हुई, तो जरदार गांव वालों ने फिर यहाँ पे मंदिर की स्थापना करी। तो तब से ये मंदिर सुरकंडा देवी मंदिर के नाम से स्थित है। तो आप लोग भी आइए यहाँ पे दर्शन कीजिए माता रानी के। ये रही पूरी स्क्रिप्ट, ये है स्कैम। जोर से बोलो जय माता दी। हम लोगों ने काफी देर फोटो वगैरह खींचे, अब चलते हैं मंदिर को बाय बोल के। है जूते? मैं देखो मेरे मोजे पे आंख आ गई। देखो मैं गरीब हूँ, जस हो रहा है पेट में, वाइब्रेशन टाइप का हो रहा है, बस हवा निकल गई। आज देखो क्या हाइट हो गया, अगर बड़ा हो गया अगर लंबा हो गया तो वो तो डर के मारे मर जाएगा। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो चाइनीज है। क्यों गया पढ़ना? या फिर लंच टाइम हो गया ना, एसबीआई के एम्प्लॉई बैठा रहे। लड़के तो आ जाएंगे, लड़कों का बेल्ट है, लड़के बालों से सेफ लैंडिंग। ये हरे हरे में कूदना है क्या? तो गाइस लून पीस रहे हैं, ये हम डलना ची मर्च लून लहसुन भुनो जीरा हल्दू। ये तो हमारी कंपनी हिल्स। चुप कर बे कुत्ते, हमारी कंपनी का सुनाई। हम वीडियो बनाना ना, तो हमारे चैनल का नाम भी चाहिए हिल्स इन व्लॉग्स। तो तब अच्छा बस इसके आगे हम डॉट इन लगाना भूल गए। कोरोना भाई क्यों नहीं कर रहे वो नेक्स्ट वाले छपाई में कहीं गड़बड़ी। ये है पहाड़ी वफल्स। मैंने कहा कितने का नमक है? कहते हैं 50। फिर बाद बोला कि हमें डिस्काउंट नहीं मिलेगा, कहते हैं चलो 60 का है वैसे तुम्हारे लिए 50। ये उत्तराखंड के पहाड़ी जैविक उत्पाद। खाने में क्या भैया? मेन्यू कार्ड है कोई? आ करियो खा के देखियो, खाया जा रहा नहीं खाया जा रहा? क्या खा लो नथी, वो कह रहे मेन्यू कार्ड है खाने में। इतना सारा खिमचंड खमचंड ले जा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास 3 iPhone है। तो मैं अमीर हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास। एक पावर बैंक से करेगा चार्ज, दो चार्जर से और एक
ये तो चाहिए एक्सटेंशन बोर्ड। तुझे मैं तो तेरे को हरा भी समझता था, तू तो राम निकला रे। फोन का चार्जर ले लो, 20 वाट का चार्जर, एप्पल सेटिस्फाइड चार्जर, सर्टिफाइड नहीं सेटिस्फाइड। पढ़ रहा हूँ मैं, खोल नहीं रहा। नहीं मत खोलो ना। अरे खोल नहीं रहे, आगे पहरी है क्या? ये रोटी ले आने एक साथ ही। हाँ अभी मत खोलो ना यार। मत खोलो ना यार। चलो भैया सलाल दिया ना। तो सच में ही खोल रहे हैं। हाँ धो दिया तो ऐसे क्या करें? शौचालय से राजमा चावल, इन्होंने पराठे, इन्होंने छोले, अलग अलग चीज। गाइस इसमें पकौड़ा नहीं था, हमने अलग से मंगा लिया ब्रेड पकौड़ा। A few moments later. और गाइस यार एक ड्राइवर डाउन होते हैं, खाना भी खाया गया पूरा, और ये दूसरों की आंखों में धुंधलापन छाते हैं। डगी 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 डग। हमारे साथ का एक यहीं पे घायल हो गया है और अब हम सब यहीं छोड़ के जाते हैं। चलो चलो चलो। हमारे पास बिल भरने के पैसे नहीं थे, तो हम सब बेच के आ गए। गाइस ये बर्तन मांग के वापस आएंगे हम। 2000 years later. और गाइस ये हमारा साथी बर्तन धो के आ चुके हैं। तुमने क्या कहा है? तुझे तुमने भेज दिया, भेज दिया तो मुंह से उधेड़ के गले से मार निकाला, उसके बाद मेरी बर्तन की लड़ी। तुझे तुमने भेज दिया था। अरे तेरे जैसे दोस्त हूं ना तो दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, तू अकेला ही काफी है। ये खरीद के लाया तुझे? यही बोल भी पेमेंट नहीं करनी चाहिए थी, सोए रहा था बहुत देर तक। लाओ देना। नींद पूरी करने के बाद इनको वहीं पे छोड़ कर आ गए थे। कुछ पूछा? चांद तारे तोड़ लाओ, बस इतना सा ख्वाब है। औकात मेरे। अरे कहाँ है वो? आ नहीं रहते, फोटो के सारे में छोड़ के आ गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कैसा लगा? Women. हम लोग सोच रहे हैं यहाँ से कूद जाएं। उल्टी सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था क्या? गाइस अभी हम एडवेंचरस एक्टिविटीज करने वाले हैं सर। फ्री फॉल एक चीज तो फ्री है। सारे एक साथ जा रहे हैं स्काईवॉक करने और अब हमारी वीडियोग्राफर बनेंगी मिस सुचिरावत। अरे इसने देख लिया वही ज्यादा एडवेंचरस हो गया, थोड़ी देर बाद इसको ऐसे कर देना। अर्णव को पहना के फिर उतार देना ना। ये भगवान क्या जुलूम है। कंसेंट भर लिया साइन। जायदाद जायदाद किसके नाम करे जो है ही नहीं। गिरने की एक्टिंग भी करनी क्या? तो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे सबके सब। दीदी का चश्मा और दीदी दोनों गिर गए थे। कुछ कहना चाहेगा अर्णव? अब हंसी भी नहीं आ रही है उसको। मेरी बत्ती गुल हो गई, बस निकल गई हवा। वहाँ तक ऊपर तक चढ़ना है, उसमें मेहनत चाहिए थोड़ा सा। जिम वाले बंदे ही कर सकता हूँ भाई एक। मुझे भी करना है। नहीं बस की नहीं है इतने में। अरे पागल हो गया, इतने में कह रहा मेरे कंधे दुख रहे। हमारे कंटेस्टेंट को मोटी मोटिवेट मत करो। चलो भाई चलो निकल। अटक तो जाएगा, नीचे थोड़ी गिरेगा नहीं, खते जाएगा। कूद लेना एक बार, जब तक फटाफट ट्रैम्पोलिन में दो टप्पे मार के आ जाऊंगा। तो हमारा नेक्स्ट टास्क है इस दीवार को चढ़ना है और तीन कंटेस्टेंट हमारे रेडी हो चुके हैं। तो आप ये दीवार को चढ़ने जा रहे हैं इतनी लंबी, तो क्या स्ट्रेटेजी बनाई है आपने? मंकी स्ट्रेटेजी। और आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई है? माय आंसर आल्सो द सेम, बंदर स्ट्रेटेजी। दोनों के सेम हिंदी में सब हो चुका हूं गाइस। ये मेरा आज का और ये डायरेक्शन चेंज कर दी। कैसे जाना? और ये इनको देख के सीख रहे हैं और इनके हाथ थकते हुए। क्या लगता है क्या ये यहाँ चढ़ पाएंगे? एक बार गिर जा। और ये थोड़े ही दूर पर, अरे अरे इनका पैर फिसल गया। लेकिन क्या लगता है दर्शकों, क्या ये कर पाएंगे? ये दूसरा पैर मिल नहीं रहा है कहाँ जमाना है। और ये हवा में लटकते हुए और ये हवा में लटक चुके हैं। पीला है ऊपर देख, पैर येलो कलर का है। ओ हो, हिंदी में समझ नहीं आ रहा था। और दर्शकों के चेहरे पर शिकन। थोड़ा सा रह गया फिर गिरना ही है। और बस सिर्फ एक
और समझ गया और इन्होंने दूसरा राउंड भी पूरा कर लिया है अपना और अब बस गिरना बाकी है इनका धड़ाम से छत पे। तीन पकड़नी है, तीन ऊपर वाली। क्लैपिंग करो। कैसा लग रहा है? आप दूसरा राउंड भी जीत चुके हैं। अरे 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 नर्स तो आप क्या बताना चाहेंगे अपने फेलो कंटेस्टेंट को? मैं बताना चाहूंगा कोई भी एक्सरसाइज आसान नहीं होती, उसको पहले करके देखो फिर उसके बारे में मानने का हाथ खुले। क्या कुछ सीखा आपने? बाइक गाइस, बाइक नहीं चला पाऊंगा मैं अभी, इनको पता चलेगा ना। इनको बहुत आसान लग रहा है, मुझे भी लग रहा था। और ये इन्होंने चढ़ना शुरू कर दिया। क्लैपिंग करो। और ये तीसरे से ऊपर तक, अर्णव ऊपर, कम ऑन, वो उसके ऊपर है ग्रीन ग्रीन। और ये हवा में जूस रहे हैं। और इनके बाइसेप्स बन चुके हैं और इन्होंने लैंड कर लिया यहाँ पे। मैं तीन बोला था ना, उसने चार टक किया तो मैं एक टाली बजाऊंगा उसके लिए। हमसे देखना कैसे चढ़ते हैं। अच्छा टेक्निक बताओ। यहाँ से पकड़ना शुरू करो, पे हाथ से। ओ स्टार्ट फटाफट धैर्य पर। ओ भाई इतनी तेज नहीं चढ़ना, वहीं पर अटका था ना भी ना। भयंकर जूते भैया ने अच्छा पहने यार। हमें दिखाने की जरूरत है। क्या लगता है दर्शकों को ये चढ़ पाएंगे? दीपक उनियाल और ये थक चुके हैं, इनके बाइसेप्स टूटते हुए। नहीं 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 नो 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 नहीं भाई, चढ़ना पड़ेगा कम से कम एक। ये अब भैया क्या? नहीं नहीं इस गेम के विजेता है हर गेम। पहले सोचा जीत जाएंगे लेकिन नहीं कर पाया। अच्छा क्या लग रहा था? लगा कि जीत जाऊंगा। जीत जाऊंगा। मजा किसके में है? मजा उसके में है इसके। और ये जीत गया हमारे एंटरटेनिंग कंटेस्टेंट। ये जीत गया तो गाइस हाथ छुल गया। ओ नहीं, कैसे चढ़ते जरा बताना, कौन मेहनत का पसीना आ रही की तुम क्यों आए लो मैं ऐसे मेरे करने में अनप्रेडिक्टेबल होता ना, टैप कर सकता कभी भी। यहाँ पे हम करते हैं खत्म इस एडवेंचर का और बाकी का व्लॉग मसूरी में।